हेलो डियर स्टूडेंट्स, पीपीटी अर्थात प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट एग्जाम 2021, जिसका एग्जाम 15 सितंबर 2021 को प्रातः 9 बजे से स्टार्ट होने वाली है। ऐसे में बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पहली बार एग्जाम देने वाले हैं, तो उसके मन में कहीं ना कहीं डर जरूर सा होगा। तो आपको डरना नहीं है, इस बीच में जो बचे हुए दिन में आपको क्या करना है, इसके लिए मैं आपके लिए आज वीडियो लेकर के आ गया हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत और मैं इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, अगर चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगा। चलिए पीपीटी के बारे में बात करते हैं। प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट एग्जाम होने वाला है 15 सितंबर को, जो कि 9 बजे से होगा। तो इसकी तैयारी के लिए आपको क्या करना है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं एक हेल्पफुल हो सकता है, आपके लिए मोटिवेट, आपको मोटिवेट हो सकते हैं इससे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आखिरी तक जरूर देखना। तो परीक्षा की तैयारी का जो समय है वो बहुत ही कम है, ऐसे में हम इसका तैयारी अब कैसे करें कि हम उस सब्जेक्ट को आपके साथ, विज्ञान और गणित का होने वाला है, 150 अंकों का पेपर होने वाला है, तो अब आपका कुछ बचे हुए समय में आप इसकी तैयारी कैसे करेंगे। तो आप जितने भी सिलेबस हैं उसको अधिक से अधिक समय दे दीजिए, अधिक से अधिक समय, अर्थात आप सुबह 3 घंटे देते हैं, जैसे 9 से 12 देते हैं, तो शाम को भी 3 घंटा दे दीजिए, 6 से 9 दे दीजिए। अर्थात मेरा कहने का मतलब ये है कि सुबह 3 घंटा और शाम को 3 घंटा अगर देते हैं तो 3 और 3 6 घंटे हो जाते हैं, तो ये 6 घंटे आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से सुबह शाम का जो रूटीन है, डेली का रूटीन बना लीजिए, तो इस प्रकार से आप जो है ये परीक्षा की तैयारी का शेड्यूल आप अब थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, आप अपना समय को बढ़ा दीजिए, ताकि आपका जो सिलेबस जो भी छूटा हुआ है वो आप क्लियर कर पाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं परीक्षा की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो किस स्तर का कर रहे हैं, ये जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा की तैयारी हम अभी तक किस प्रकार से कर रहे थे वो तो आप जानते हैं, क्योंकि अब ऐसा समय आ गया है, कुछ ही दिन बाकी है, तो इसकी तैयारी आप गहराई से करें। गहराई का मतलब ऐसा है कि मेरा गहराई का मतलब ये है कि आप थ्योरिटिकल क्वेश्चन, जितने भी थ्योरिटिकल क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी थ्योरी है, जितने भी थ्योरी है उसको सबसे ज़्यादा तैयारी करें, ना कि जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होते हैं उसकी तैयारी अब आपको छोड़ देना चाहिए। और जितने भी सिलेक्टेड टॉपिक्स है जो आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा IMP है और ये आ सकता है, तो आपको अगर लगता है कि ये हमको तैयारी कर लेना चाहिए, तो उसी की तैयारी आपको जो सिलेक्टेड टॉपिक्स है उस पर आपको करना चाहिए। अर्थात मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी थ्योरी है, थ्योरी अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आपको वस्तुनिष्ठ देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि थ्योरी से ही आपका निकल के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएंगे। तो थ्योरी को ज़्यादा से ज़्यादा करें, ना कि आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है उसको करें। उसके बाद परीक्षा के एक दिन जब बचा रहेगा तो आप परीक्षा के एक दिन पहले, मैं तो कहता हूँ कि आप उस दिन थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, उस दिन आप पढ़ाई ज़्यादा ना करें, करिए लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स होकर करिए। आपको लगता है कि तैयारी मुझे करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा टेंशन हो सकता है, तो परीक्षा के एक दिन पहले आप इस तैयारी को छोड़ दीजिए और बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। अब उसके बाद आप जो है परीक्षा के लिए एकदम तैयार हो गए हैं, तो आप इसके बाद सीधा सीधा तैयारी हो गया है तो तैयारी हो गया है, तो आप तैयारी को छोड़ दो, एक दिन आप परीक्षा के एक दिन पहले रिलैक्स हो जाइए। उसके बाद हम बात करते हैं इस विषय में जो PPT का एग्जाम होगा उसमें विज्ञान और गणित होगा, विज्ञान में भौतिक टाइप का होगा और रासायनिक टाइप का होगा, उसमें आपको हो जाएगा और गणित होगा। तो जो आपको कठिन लग रहा है, जैसे आपका गणित जो है थोड़ा सा सभी को टफ लगता है, कठिन लगता है, तो उस विषय को आप, गणित के विषय को थोड़ा सा आप उसको ज़्यादा समय दे दीजिए, क्योंकि 150 अंक का जो प्रश्न आएंगे विज्ञान से और गणित मिला के, तो गणित में आपका
जैसे कि कंप्यूटर से भी संबंधित जो आप सिलेबस देखे हैं, सिलेबस अगर देखे होंगे तो उसमें कंप्यूटर का भी है। आप इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि इसमें कंप्यूटर का भी है, तो आपको कंप्यूटर के भी जो क्वेश्चन है उसको भी आपको सरसरी तौर पर देख लेना है, क्योंकि गणित का सब्जेक्ट में कंप्यूटर आया है तो आप उसको जरूर से देख लीजिए। तो 150 अंक हो जाएंगे। अब आप क्वेश्चन को हल कर रहे हैं और आप एग्जाम सेंटर में हैं, परीक्षा हल कर रहे हैं, प्रश्न को हल कर रहे हैं, इस बीच में आपको एक ऐसा स्थिति ऐसा आएगा कि कोई प्रश्न आपके साथ नहीं बनेगा, तो नहीं बनेगा तो आप उस बीच में आप क्या करेंगे, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि 150 अंक का होगा तो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। निगेटिव मार्किंग अर्थात नकारात्मक जो अंकन होता है वो नहीं है, तो आपको जितने भी 150 प्रश्न है उस प्रश्नों को पूरा का पूरा हल करके आना ही है। ये आप गांठ बांध लीजिए कि 150 अंक, 150 प्रश्न है, 150 अंक है, तो पूरे के पूरे प्रश्न आपको हल करके आने ही हैं। भले आप तुक्का लगाइए, कुछ भी करिए, लेकिन 150 का जितने भी प्रश्न है उसको आपको छोड़ के आना ही नहीं है। आप बिल्कुल तुक्का लगा लीजिए, जैसा भी आपको ये लगता है, जैसे प्रश्न क्रमांक एक में ए बी सी डी ऑप्शन रहेगा तो आप ए हो सकता है तो ए को लगा दीजिए आखिरी में, लेकिन आप उस पर पहले छोड़ दीजिए। आखिरी में जो जो बचा रहेगा आखिरी के 5 मिनट में ये काम आपको जरूर से कर लेना चाहिए। जैसे भी क्या आप वहां गए एग्जाम सेंटर में गए, तो अब आप लोग एक दिन पहले आप अपनी पूर्व तैयारी जरूर से कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, तो एडमिट कार्ड ले जाना बहुत जरूरी है। अगर आप ध्यान रखें आपके एडमिट कार्ड में अगर कोई फोटो नहीं है, आपका फोटो नहीं छपा है, तो आप याद रखिए अपने साथ 2 रंगीन फोटो, पासपोर्ट साइज का फोटो अवश्य ले जाइए, और अपने साथ आधार कार्ड ले जाना ना भूले, काला या नीला रंग का डॉट पेन ले जाना ना भूले, तो इतने चीज आपको ले जाना ही है। तो इस प्रकार से अपना आधार कार्ड हो गया, आपका प्रवेश पत्र हो गया, खैर पेन तो आप ले ही जाएंगे, तो इतने जो सामान है उसको ले जाना है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या नहीं ले जाना है। तो आपको जो है जैसे कि इलेक्ट्रिक कैलकुलेटर होता है, मोबाइल फोन है, जो भी अनावश्यक सामग्री है उसको अलाउ नहीं होता है, तो आपको इस नहीं ले जाना है। और परीक्षा समय अगर आप 15 मिनट भी लेट हो जाते हैं तो आपको उस परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। और तो चाहिए कि आप जो है बहुत ही समय का ध्यान रख लीजिए, और आधा घंटे पहले आप अपना परीक्षा सेंटर में जाकर के उपस्थिति प्रदान कर दीजिए। आप अपना रोल नंबर देख लीजिए कि हमारा इस कक्षा में है, तो आधा घंटा पहले आप परीक्षा केंद्र में जरूर से पहुंच जाइए। और कोरोना चल रहा है तो कोरोना की स्थिति में अब आपको अपने साथ मास्क पहनना जरूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन आपको करना होगा। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी मैंने बताने का प्रयास किया। कोई भी जानकारी अगर आपसे छूटा होगा तो आप लोग एक बार और प्रिपेयर कर लीजिए। तो जितने भी क्वेश्चन है आप लोग जरूर से हल कर लीजिए। मेरे तरफ से आप लोग को बेस्ट, आप लोग पेपर अच्छा बनाइए, आपका सिलेक्शन हो, ऐसा शुभकामनाओं के साथ। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करना, ताकि वो भी इस वीडियो को देख के थोड़ा बहुत मोटिवेट हो सके। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, और किसी अच्छे कंटेंट के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।